अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जी। आज मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। होप सो आप लोग अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज मैं आपके साथ इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो खोया ले लिया यहाँ पर, और उसके अलावा जो मैंने चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं मैं मेजरमेंट कप से आपको शो कर रही हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बस जितना मीठा पसंद करते हैं आप उतना ले लें जी। यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिया है जी देसी घी, 1 कप मैंने लिया है जी शुगर, खोया के मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता और बादाम लिए कटे हुए, और 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे कार्डमम एसेंस के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जी। देखें इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसको स्टर करते रहें आप, क्योंकि ये नीचे से लग जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। इसके अंदर ऐड कर देंगे कार्डमम एसेंस, अगर एसेंस नहीं है तो आप इसके अंदर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं कार्डमम का। होप सो ये रेसिपी आपके काम आएगी, बहुत ही इजी रेसिपी है, ठीक है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर आलमंड्स मैंने ऐड कर दिए हैं कटे हुए जी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, मीन्स हमें इसी टाइप की चाहिए थी। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपने देखा ना कितनी इंस्टेंट है ये। अब मैं यहाँ पे डिश में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर रही हूँ, करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी वो सारा मिक्सचर, ठीक है। जी इसको डाल देंगे इसके ऊपर। और आप लोग सब कैसे हैं, काफ़ी देर बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, आपको देखने भी में भी पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी लग रही है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। जी इस तरह से इसको कर लेंगे प्रेस करके। जिसके ऊपर हम गार्निश कर लेंगे। आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, अगर आपके जहन में कोई और आइडिया आप वो कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ सेंटर में भी कुछ रखते हैं जी। तो गाइस आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो है रेडी। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था फॉर 30 मिनट्स, ये सेट हो गई थी अच्छी तरह से। अब मैं इसको निकाल के कट कर रही हूँ। जैसे कट कर लेंगे इसको और इसको इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।